यूं ही। I think they've sent a taxi driver. बेटी का वास्ता बहुत बड़ा होता, और मैंने अपनी बेटी खुर्शीद के सदके नामाफ कर दिया। ना उर्दू बोल सकती है और ना सुन सकती है। तुम्हें कैसा पता? अमेरिका में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। सॉरी डैड, मैं ये टॉयलेट यूज नहीं कर सकती। अटैच बात तो सिर्फ दाऊद के कमरे के साथ है, वही कमोड है। वेरी गुड, थैंक गॉड। भाभी किम को आदत नहीं है ना, तो इसे वहां मैनेज कर ले, मैं तो कहीं भी गुजारा कर लूंगा। रजिया तुम ऐसा करो, किम को ना दाऊद के कमरे में ले जाओ। हाँ जाओ बेटा। गो बेटा। आ जाओ, मेरी बात समझ जाएगी। भाभी सब समझती है, उर्दू बोलती भी है और पढ़ना भी आता है इसे। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। आओ मेरे साथ। रवि तुम भी मेरे ख्याल से आराम करो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। आज आ जाओ, आ जाओ। उसको तो अच्छी भली उर्दू आती है। गुन्नी मिसनी खामोशी से हमारी सारी बातें सुन रही थी। ओए, हमारी नहीं तुम्हारी, और तुम तो बस पकते ही गए ना उसके सामने कुछ भी। मुझे क्या पता था उसे उर्दू आती है, चालाक लूमड़ी कहीं की। हाँ, तुमने तो अपनी सारी जितनी इंग्लिश आती थी ना सब बोल डाली। देखेगी मैं नहीं तुम्हारी तरफ अब। ओ हेलो, मुझे कोई जरूरत नहीं कि वो मुझे देखे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टॉक है मेरे पास। ये अपनी बेहुदा बातें तुम दाऊद भाई के सामने क्यों नहीं करते, जान से मार डालेंगे। हेलो, ये दाऊद भाई का ड्रामा मुझे ना दिया करो, मैं नहीं डरता वरता उनसे। नहीं डरते पक्का? अभी बताती हूँ तुम कैसे मोहतरमा के सामने आगे पीछे घूम रहे थे, बताती हूँ। मुंह बंद रखो अपना। वैसे काश मैं भी मुंह बंद रखता अपना, क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। ये जुल्म ना करो बेटा, 4 साल की मंगनी यूं खत्म ना करो, हमारे ताया जी से बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे नहीं करनी इस एफए पास जाहिल खुर्शीद से शादी। अब्बा जी मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, क्या कर रहे हैं आप? बद्दुआओं से मुस्तकबिल नहीं बनते बेटा। खुर्शीद मर गई है नवीन, खुर्शीद मर गई।
तुम इकबाल हो ना? बाली जी, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। 26-27 साल पहले तो तुम शायद 12-13 साल की होगी। जी लगता है तुम मुझसे खफा हो। मैंने ताई जी से तो बात कर ली, उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया। मर्दों को कितनी आसानी से माफी मिल जाती है। यही हरकत अगर किसी औरत ने की होती तो उससे कभी माफी न मिलती और ना ही कोई मर्द कभी किसी औरत की बेवफाई में मरता है। जो मैंने खुशी के साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कर देना मुझे। आप कहाँ शर्मिंदा होंगे, मेरी बहन तो थी बेवकूफ जाहिर, उसे आपसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। जी को पूछना तो चाहिए था ना कि कौन कौन आ रहा है। अब हमारे घर में इतनी जगह तो है नहीं, एक छोटा सा कमरा था नवीद भाई के लिए, वही तैयार करवा दिया मैंने। अरे भाई तुम बाबूजी को अच्छी तरह जानती हो, ना ही किसी की सुनते हैं और ना ही कभी पूरी बात बताते हैं। तो अब क्या करना है उस मीम का? अरे परेशानी की क्या बात है, इकबाल और सुरैया के साथ बिस्तर लगा देना बस। और बाथरूम? हाँ बाथरूम का मसला होगा। तो क्या उसके लिए नया बाथरूम बनवाएंगे? क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, हर वक्त खर्चे के बारे में ही सोचना। अरे भाई वो सारी जिंदगी बाप बेटी थोड़ी रहेंगे इस घर में, थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे। ठीक है तो इन थोड़े दिनों के लिए क्या इंतजाम करेंगे आप? उन्हें दाऊद का कमरा दे दो। दाऊद का? अरे तो वो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? अरे वो बाबूजी के पास सो जाएगा। वो पता है शादी से पहले मैं बाबूजी के पास ही सोता था। अच्छी मुसीबत है, जबरदस्ती के मेहमान ऊपर से मेरे बच्चे को उसके कमरे से बेदखल कर रहे हैं। रजिया बेगम अब उन्हें मेहमान मान लिया है ना, तो ये गिले शिकवे रंजिशें भूल जाओ और अच्छी सी उनकी मेहमानदारी करना। पर नवीद से नाराजगी है ना हमारी, भाई उस बच्ची से तो नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रात के खाने का इंतजाम कर लूँ। मेहमानों के लिए कीजिएगा, अपना हाथ हल्का रखिएगा। आपके लिए तोरी बनाई है मैंने। तुम खुद ही खाना, तोरी बनाई है। इडियट, गधा, बेवकूफ, उसके सामने उसको बुरा भला कह दिया। तो मुझे भी ये थोड़ी पता था कि उसको उर्दू आती है, वैसे इतना बुरा भला भी नहीं कहा मैंने तो बस। दानियाल यहाँ क्या कर रहे हो तुम, आज यूनिवर्सिटी नहीं गए? उस वक्त तो तुम मुझे कह रहे थे बहुत जरूरी काम है, यूनिवर्सिटी जाना है, मैं नहीं जा सकता, दाऊद भाई को भेज दे। और अब यहाँ फारिग खड़े हो,
फारिग नहीं अब्बा जी, सुबह से आप ही के मेहमानों का ख्याल रखो। अरे भाई मैं गए मेहमान, जोर रखो पढ़ाई पे, जोर दो पढ़ाई पे। पिछली बार भी तुम्हारा ना सप्ली आई थी सेमेस्टर में, और इस दफा अगर सप्ली आई तो मैं तुम्हारी फीस नहीं भरूंगा, याद रखना। सप्ली तो नहीं आई थी अब्बा जी, वो तो बस थोड़े नंबर ऊपर नीचे। चुप करो, बकवास कर रहे हो बाप से, शर्म नहीं आती जरा सी। बड़े भाई को देखो, क्या दाऊद क्या बच्चा है हमारा, पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो, और तुम आज तक कंपाउंडर भी नहीं बन सके, पता नहीं किस पे चले गए हो तुम। अब दफा हो, शक्ल गुम करो। जी पागल। कहाँ जा रही हैं अम्मी? अब्बा जी से मिलने। नाना अबू से मिलने? मैं भी साथ चलूं? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? वैसे तो आपका इतना दिल होता है कि हम सब साथ चलें, लेकिन आज क्यों नहीं? अब्बा जी से लड़ने जा रही हूँ। ओवा अम्मी, आप नाना अबू से लड़ने जा रही हैं? तो और क्या करूं, जब से मेरी बहन के कातिल को माफ करके घर में घुसने की इजाजत दी अब्बा जी ने, मेरा तो दिल कोड़ रहा है। खुशीद का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा है, तुम्हारे अब्बू हजार बातें सुना चुके हैं मुझे। आपको असल में दुख किस बात का है, खाला की मौत का या फिर अंकल को माफ कर देने का या अब्बू की बातों का? ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, कोई अदब लिहाज है तुम्हें बड़ों से बात करने का? अदब और लिहाज आपसे सीखूंगी ना, आप अपने अब्बू से लड़ने जो जा रही है। अच्छा मुझे भी ले जाए ना, मुझे भी देखना ना अमेरिकन अंकल को जिन्होंने मेरी खाला को ठुकराया है। हरगिज नहीं, उस नवीद के बच्चे की तो मैं शक्ल ना देखूं, बात करना तो दूर की बात है। अब्बा जी की नफरत खत्म हो सकती है, मेरी नहीं। अकेली जा रही हैं? नहीं, तुम्हारे अब्बा दफ्तर से सीधे वहां आ जाएंगे। चलो घर का ध्यान रखना। शक्ल देखने वाली थी दादी के बच्चे की, इतनी इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा था। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। वो तो आपको क्यों परवाह है, उसके अब्बा ने कौन सा कुछ अच्छा कर दिया था हमारी खुर्शीद पप्पो के साथ? अब जो भी है वो हमारे मेहमान हैं, उसके अब्बा ने जो भी किया सो किया, उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा। है कहाँ वो? वॉशरूम का मसला बन गया था, अम्मी लेके गई हैं दाऊद भाई के कमरे में, उधर ही कमोड है। वैसे पप्पो वो रहेगी कहाँ? मतलब इस कमरे में तो मुश्किल से आपके और मेरे लिए जगह है, और वैसे भी अमेरिका में तो सबके अलग अलग कमरे होते होंगे ना। अब जो साथ लाया है वो समझा के ही लाया होगा। कह तो सही रही हैं आप, अभी कोई अमेरिका तो है नहीं, पाकिस्तान है, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहेगी। आप कहाँ जा रही हैं? मैं ज़रा भाभी की मदद कराऊँ, फिरदौस आप और मदरसे भाई आ रहे हैं, भाभी अकेले खाना बना रही होंगी। वो भी आ रहे होंगे इन अमेरिकन से मिलने, है ना? शायद। फारिग हो गई बेटा? जी। अच्छा ऐसा करो, तुम सुरैया के कमरे में चली जाओ, वहां जाकर आराम कर लो। अब तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम रजिया है। रजिया, मुझे शावर लेना है फिर रेस्ट करना है। क्या कहा? मुझे शावर लेना है फिर रेस्ट करना है। नहीं नहीं, मुझे क्या कहा? रजिया, तुम्हारा नाम रजिया है ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ अम्मी? होना क्या है, नवीद भाई ने तो सिखा दी मगर बड़ों से कैसे मुखातिब होने बताया ही नहीं। क्या कहा इसने? मुझे तुम कह रही है, मेरा नाम लेकर बुला रही है, ना आंटी ना खाला ना चची ना ताई, कुछ भी नहीं, सीधा रजिया। तो तुम मेरी इनमें से कुछ भी नहीं लगती। लो और सुनो। अच्छा ना, परेशान क्यों हो रही है, मैं समझाती हूँ ना इसको। समझाओ। देखो पाकिस्तान में ना हम बड़ों को नाम से नहीं बुलाते, हम रिश्ते से बुलाते हैं। रिश्ता ना भी हो फिर भी
हाँ हम तो दुकान वाले को भी भाई बना देते हैं, है ना? रिश्ता क्यों नहीं है बेटा? तुम्हारे अब्बा के कजन बशारत उनके ताया के बेटे हैं और उनसे बड़े भी हैं, समझो वो तुम्हारे ताया और मैं तुम्हारी ताई। ओके ताई। मुझे अब रूम में जाना है तो मुझे बता दो कौन सा रूम है, कौन सा कमरा दें इसको? वो दाऊद की तो नाइट ड्यूटी है, वही कमरा दे दो। अरे बाथरूम भी तो वही इस्तेमाल कर सकती है ना ये। हाँ लेकिन कल, कल की कल देख लेंगे। चलो फिर दाऊद भाई के रूम में। उस रूम में? हाँ देखो कमोड उधर ही है, अब सोच लो। ओके जी। तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने नवीद को माफ कैसे कर दिया, घर में कैसे घुसने दिया उसको? खुशी का दुख भूल गया आपको? भतीजे की मोहब्बत, डॉलर की मोहब्बत, बंदा पुरानी से पुरानी बातें भूल जाता है। भतीजे की मोहब्बत बेटी की मोहब्बत से बढ़ के कैसे हो सकती है, क्या बातें कर रहे हैं आप? मैंने यूं ही एक बात कह दी। और ये डॉलर वॉलर की क्या बात है, है? चाचा जान से मिलने आई हो या मुझसे लड़ने आई हो? आपने जवाब नहीं दिया अब्बा जी। मैं अब्बा जी हूँ तुम्हारा, तुम बेटी हो मेरी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, जो बेहतर समझूंगा वही करूँगा। लो भाई अब मिल गया जवाब। ठीक है आज आ गई हूँ, अब नहीं आऊंगी। अब नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी उस घर में जिस घर में मेरी बहन के कातिल की मेहमान नवाजी की जा रही है। जा रही हूँ मैं। रुक जाओ, रजिया ने खाना बनाया है, खाकर जाना। खाना? चलो खाना तो नहीं, आप खाना खाने नहीं आई। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। चले जी। तो तुम्हें शौक होता है मैं के आने का? और क्या कह रही थी तुम कि अब्बा मेरी बात नहीं टालेंगे, नवीद को एक मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे, और यहाँ क्या हो रहा है, हमें घर से बाहर निकालने की बातें हो रही। जो मर्जी आए समझो, मैं तुम्हारी सोच समझ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आपने तो मुझे मायूस कर दिया अब्बा जी, जा रही हूँ मैं, चलें। क्या ही बेटी को जाने से रोक तो नहीं सकता, जाना चाहती हो चली जाओ। अब और कितने जूते खाओगी तुम? ठीक है अब नहीं आऊंगी, तब भी नहीं आऊंगी जब आप नवीद को इस घर से निकाल देंगे।
मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब्बा जी आपने कभी बेटियों से मोहब्बत की ही नहीं, एक मर गई, एक तलाक लेके घर आके बैठ गई और मुझे इस शख्स के पल्ले बांध के जानों में झोंक दिया आपने। क्या लो भाई, लो भाई लो, अब मेरा ही साथ जहन्नुम हो गया तो ये भी ठीक है। मैं ना नवीद की तरह मगरूर हूँ और ना फैज की तरह कमीना, किन लोगों से तुम मुझे मिला रही हो? अरे सारी उम्र गुजार दी मैंने तुम्हारे साथ, ना कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें, ना कभी पैसे देने में कोई कमी की, ना बाप भाई से मिलने के लिए कभी कोई रोका, और हम ही बुरे हो गए तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, ये अपने झगड़े अपने घर जाके लड़ो, इससे पहले कि मेरे ब्लड प्रेशर की गोली का असर जायल हो जाए, चले जाओ। अरे वो तो कब का खत्म हो गया। चले, आपकी इन्हीं बातों की वजह से जहन्नुम बनती है मेरी जिंदगी, मेरा दिल जा रही। अब्बा जी इस नवीद कमीने की वजह से मेरा घर भी अब तबाह हो जाएगा। इसका प्लग ढूंढ रही हूं मैं। आप मेरे डैड को कमीना क्यों बोल रहे हो? आई एम आस्किंग यू, आप मेरे डैड को कमीना क्यों बोल रहे हो? बोलो, अब जवाब दो। ये कौन है? ये नवीद की बेटी है। नवीद की बेटी? बेटे सुराइये से पूछो, उसको पता होगा चार्जर कहाँ है। ओके। जुल्फी साहब कितने? ओहो निधि, ओए होए निधि, ओ यार, ओ शक्ले यार, देखकर तड़पा है दिल जो आज, हालत खराब ऐसी तो जाते हुए ना थी। क्या बात, तेरी ये फेल बदी और बेवजन शायरी आज तक मुझे समझ नहीं आई। क्या ही अपनी हालत बना ली है तुमने यार। अशार में वजन पैदा करने के लिए तो इन किताबों की दुकान पे बैठा। क्या बात है, क्या बात है। अरे छोड़, कहाँ रह गया था, कभी याद नहीं आई तुझे हमारी, अपनों की, अपने मुल्क की? ऐसा अमेरिका को तू प्यारा हुआ कि अपनों को भूल ही गया। अच्छा एक मिनट है, ओए सिटी, ओए साफ कुर्सी लेके आ, मुझे बता क्या पिएगा, चाय, ठंडा बोतल, क्या मंगवाऊं अपने भाई? पहले मैं अपनी दोस्त की मोहब्बत से सैराब तो हो लूं, फिर खाऊंगा भी और पीऊंगा भी, बिल्कुल फिक्र ना कर। तूने दोस्त की मोहब्बत से सैराब होना चाहता है, तेरी इन्हीं बातों से तो मुझे इश्क था। बड़ा याद किया मैंने तुझे, इतना तुझे खुर्शीद ने नहीं याद किया जितना तो। यार बड़ा अफसोस हुआ खुर्शीद के गुजर जाने का, जाने वाली तो चली गई, बस पीछे अफसोस, उदासी और शर्मिंदगी छोड़ गई। अच्छा परेशान ना हो, अफसुरदा नहीं होना तुम्हें। सीटी दो कप चाय के लेके आ कड़क, यार आया अपना यार। बीवी बच्चों समेत घर में घुसा है, पूरे खानदान को घुसा लिया आपने। सिर्फ बेटी है, चले यहां से। अरे वो रजिया भाभी ने खाना बनाया, अगर खा ही लेते तो। मेरा दिल जल रहा है और आपको खाना खाने की पड़ी है, चले यहां से। अरे खाना तो खा लेते, चले। 7 साल के बाद नहीं, 27 साल के बाद आया तो एक नस्ल मरकब गई और एक बूढ़ी हो गई। नस्ल तो बूढ़ी हो गई, तू इतना बूढ़ा कैसे हो गया? तू मुझसे 2 साल छोटा है और मुझसे 200 साल बड़ा लग रहा है, क्या हो गया भाई? पाकिस्तान में इंसान उम्र से नहीं हालात से बूढ़ा हो जाता है, जिसकी जितनी पतली हालत वो उतना बुजुर्ग, और मैं तो पैदाइशी बुजुर्ग, ना माँ बाप पैसा बना सके ना मुझसे पैसा बनाया जा सके। बाप मरते हुए ये किताबों की दुकान छोड़ गया और मेरी तो औलाद भी नहीं जिसको मैं विरासत में देके जाऊं। तूने शादी नहीं की? नहीं,
क्यों? जिससे करना चाहता था उसकी कहीं और हो गई, बस फिर दिल ही नहीं चाहा कि ये दिल किसी और को दो जहां पहले से कोई बसा। मैं किसी के साथ ये धोखा नहीं कर सकता। तू शायर का शायर ही रहेगा, जज्बाती। यार मुझसे इतना प्रैक्टिकल बन के नहीं सोचा जाता कि अपने मुस्तकबिल की खातिर किसी और की मोहब्बत को पैरों तले रोऊं। मुझे सुना रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। जब से मैं आया हूं नफरतें समेट रहा हूं मैं, लोगों की तल्ख बातें भी बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर दोस्त ने कोई तल्ख बात कर दी कौन सी बड़ी बात, जो कहना है कह ले। वैसे एक बात कहूं, अच्छा नहीं हुआ जो खुर्शीद के साथ हुआ। आगे से भी ले लीजिएगा, ये वाले छोड़ देती हूँ। ले रही हूँ। Have you seen my dad? नवीद अंकल? Yeah. अम्मी कह रही थी बाहर गए हैं। वो औरत कौन थी जो मेरे डैड को कमीना बोल रही थी? कौन औरत? फिर तो उस पप्पू की बात कर रही है। बाजी आई थी? हाँ, बड़े अब्बा से लड़ झगड़ के चली गई। मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, रूड एंड। अच्छा अच्छा अच्छा, बस पप्पू है हमारी, इनकी बड़ी बहन। इससे क्या होता है, शी इज वेरी इलमैनर्ड। ऐसे नहीं कहते बड़ों के बारे में। उनको ये बात पता है? क्या? कि बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते। वो डैड और डैड के ताया उन सबको बुरा कह रही थी। जब अगली दफा आए ना तो तुम उन्हें तमीज सिखा लेना। एनीवे सुरैया, तुम्हारे पास इसका प्लग है? मेरा चार्जर नहीं यहाँ पे चल रहा। नहीं, दानी के पास होगा या दाऊद भाई के पास, वेट करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, मैं रूम में जा रही हूँ, डैड आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। थैंक यू। मैंने क्या किया है? मैं तो नहीं कह रही थी कुछ। हमारे बुजुर्गों में अपने बच्चों की मर्जी को मानने और उन्हें कबूल करने का हौसला नहीं। अब ताया जी को ही देख लो, उन्होंने खुर्शीद से मेरी मंगनी जबरदस्ती कर डाली। जबरदस्ती? क्या मैं तुम्हारे साथ पुरानी बातें करूंगा? छोड़ो यार, कब तक हो यहाँ पर? हूँ अभी कुछ दिन। भाभी बच्चों के साथ आए हो या अकेले आए हो? शादी तो की है ना तुमने? की है शादी। भाभी तो मुझे छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई? किसके साथ? इंतकाल हो गया उसका। ओ अच्छा, तो कोई औलाद है? बेटी है मेरी। चलो शुक्र है, तन्हा तो नहीं है ना तू? कहाँ रुका हो? वही ताया जी के घर, तुम जानते तो हो। हाँ हाँ, जिनके यहाँ तू सारा दिन गुड्डी उड़ाया करता था, उनके बड़े लड़के के साथ। क्या नाम है? बशारत भाई। हाँ हाँ, बशारत भाई, सारा दिन तू उनकी छत पे गुड्डी उड़ा लो, गुड्डी उड़ा लो। गुड्डी लूटने कौन आता था भाई? तू ही तो आता था गुड्डी लूटने। नवीद साहब, आपको गुड्डी उड़ानी मैंने सिखाई थी और सरकार आपको गुड्डी लूटना मैंने। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वहां से आने की? खाना तो खाने देती। जल्दी अब्बा जी की बातें सुनी थी और खाने की ऐसी क्या लालच है आपको? अरे तुम नहीं समझोगी, बहुत भोली हो। क्या नहीं समझूंगी? गहरी स्कीम है। तुम्हारे अब्बा ने जो नवीद को आने की इजाजत दी है, सारा गेम डॉलर और नीले पासपोर्ट का है। फिर वही डॉलर वाली बात, बार बार अब्बा जी के सामने भी इस किस्म की बातें कर रहे थे। अब्बा जी को किसी को पैसों की जरूरत नहीं है, डॉलर। तुम बिना आठ आने दो रुपए वाली कौम हो। तुम्हारे अब्बा और भाई की नजरें नवीद के डॉलरों और अमरीकन नेशनैलिटी पर है। हाँ, अमरीकी नेशनैलिटी, डॉलर, पासपोर्ट, आखिर मतलब क्या है सबका? तुम्हारे चाचा ने अभी माफ नहीं कर दिया खुर्शीद का खून नवीद को। वो रिश्ता नहीं हुआ तो क्या हो? अब जो रिश्ता होगा उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। कौन सा रिश्ता? बहुत ही कूड़ मगज हो तुम। नवीद की बेटी अमेरिकन नेशनल, उसका रिश्ता तुम्हारे भतीजे के साथ। दाऊद? दाऊद या फिर दानियाल। एक रिश्ता और हो सकता है अगर तुम सोचो तो।
सुनो तुम कहां सोचोगी, तुम्हारे पास दिमाग होगा तो तुम सोचोगी ना। खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं भाई, भूख नहीं है। वो दुकान पे ना बच्चे बोले आए थे, हलीम न्यास की, नान के साथ खाया, बड़ा मजा आया। कितनी बार मना किया है कि बाहर से खाना मत खाया करें, मेदे में तजाबियत हो जाती है। घर के मसाले डले हुए थे हलीम, में कुछ नहीं होता। मसाले? चलो सारी रात दिकारें आएंगी, सोया नहीं जाएगा ना आपसे ना मुझसे। तुम किसी और कमरे में जाके सो जाओ। हाँ बड़ा महल है ना ये, किसी और कमरे में। एक ही फालतू कमरा था जनाब जो नवीद भाई को दे दिया। मेहमानों को खाना वाना दिया? नहीं, खामखा मैंने इतनी मेहनत की, पालक गोश्त और बिरयानी बनाए थे मैंने। अच्छा तो क्यों नहीं खाया मेहमानों ने? वो नवीद भाई तो कहीं बाहर से खाना खा कर आए थे, उनके कोई पुराने दोस्त हैं, उनकी बेटी ने भी मना कर दिया खाना खाने से। हाँ वो फिरदौस और मुदस्सर भाई आए थे। भाई तो फिरदौस और मुदस्सर को खिला देती ना, उनको तो पालक गोश्त और बिरयानी बहुत पसंद है। खाना खाने नहीं आए थे वो, लड़ने आए थे। क्यों? सौ सौ बातें सुनाई। फिरदौस और मुदस्सर भाई तो जल्दी पर तेल डालते रहे, कह रहे थे कि अब्बा जी को डॉलरों का लालच है। मैं पहले ही मना कर रहा था बाबूजी को कि इससे नवीद से कोई सुला वुला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब खुद भुगतेंगे हमें क्या। वो ऐसा करना, एहतियातन ना वो फक्की रख देना इधर। जी। अच्छा वो दानियाल यूनिवर्सिटी गया था? वो हाँ जी आ गया। दाऊद का फोन आया? आपको पता तो है नाइट ड्यूटी में कब उठाता है फोन। सुनो वो बिरयानी और पालक गोश है ना, रख देना ढक के, हो सकता है बाद में खाऊं। जी फक्की ले हूं मैं आपके लिए। वो अमरीकी मैम किधर है? दाऊद भाई के कमरे में। और दाऊद भाई? नाइट ड्यूटी पे गए, क्यों पूछ रहे हो? वो इतनी दूर से आया है मेहमान, वैसे ही ख्याल तो करना चाहिए, मगर वो इतनी जल्दी सो गई, लगता है तुम्हें खास लिफ्ट नहीं कराई उसने। जाओ पढ़ने दो मुझे। तुम बड़ा कोई कोर्स की किताबें पढ़ी हो अपने, वही पढ़ी होगी अपने डाइजेस्ट और रिसाले, इंशाल्लाह इस साल भी फेल होगी तुम। पप्पू देखें इसे। दानियाल वो किम को चार्जर चाहिए था। चार्जर? उसे मैं अपना चार्जर दे देता हूँ, जरूर लग जाएगा उसके फोन में। हाँ फुर्तियां देखें इसकी, सो रही है गहरी नींद, गई थी मैं खाना पूछने के लिए, सो रही है। इतनी जल्दी सो गई? हाँ वो दिन रात ऊपर नीचे होती है, वो क्या जेट लैग, सुबह पूछ लूंगा उससे।
यही।